हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देस इंजीनियरिंग। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ के बढ़िया से यहाँ एस्पाल्ट का काम चल रहा है। जैसे कि आपने देखा वीडियो में, सिर्फ काम चल रहा था, आप देख रहे थे इस तरह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक टैंडम खड़ा है, वहाँ एक टैंडम खड़ा है, उसके पीछे एक टैंडम खड़ा है, साथ साथ दो PTR रोलर है। बोलने से पूरा टीम है दो पेवर का, और इस साइड में पहले BC कर लिया है, उस साइड में BC कर लिया है, और ये बीच में का है, दो पेवर के साथ विड्थ लेके चल रहा है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो बीच में पट्टा हुआ है, उसमें सेंटर लाइन से इस साइड में 2.5% का कैम्बर है, और दूसरी तरफ में 2.5% का स्लोप है। इसी तरह से PTR चल रहा है यहाँ पर फाइनल में, और इस तरह से एकदम फिनिश आप देखेंगे। यहाँ पर जॉइंट एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन में आपको एकदम 0-0 में मैच हो गया है। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, पुराना और नया तो यहाँ जॉइंट में दिख रहा है, लेकिन जब आप हम लोग यहाँ पे इस लोकेशन पे आते हैं, इस जगह पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जॉइंट महसूस ही नहीं होगा कि कहाँ पे जॉइंट है। तो यही कमाल है कि दो पेवर एक साथ चलाने का यही एक मज़ा है, यही एक बढ़िया है, शानदार चीज़, एक शानदार प्रोडक्ट यहाँ पे एक निकलता है। यूनिफॉर्म एक पीवर थोड़ा सा आगे, एक थोड़ा सा पीछे, साइड बाय साइड चलता रहता है, और साइड बाय साइड सारी चीज़ें, रोलिंग हर चीज़ इसमें होते रहती है। सारी चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको जॉइंट भी महसूस होगा। मैं इस सेंटर पोर्शन पर भी खड़ा हूँ, और यहाँ से इस तरफ का स्लोप और इस तरफ का स्लोप 2.5% कैम्बर दिया हुआ है, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होगा। ये आपको एक प्लेन ही लगेगा कि लेवल सरफेस लगेगा। तो इस तरह से दो पेवर से ये पेविंग होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ से ऊपर में टेम्परेचर भी 30-35 डिग्री तो आराम से होगा अभी का टेम्परेचर, और मेरे नीचे जो मैं जिसके ऊपर खड़ा हूँ, उसका टेम्परेचर मिनिमम 90 से अब ही होगा। तो ये चीज़ होती है एस्पाल्ट में, और ये फाइनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनल में यहाँ पे प्लेन पास मारा जाता है। उसके पहले PTR जितना कि हमारा ट्रायल स्टेज में दिया होगा, उतना हम लोग उसको मारते हैं, और PTR को हम लोग ऑयल लगाते हैं या पानी लगाते हैं टायरों पे, ताकि चिपके ना। स्टार्टिंग में चिपकते, बाद में वो नीचे का जैसे जैसे ठंडा होता है एस्पाल्ट, वैसे वैसे उसका चिपकना बंद हो जाता है। तो ये यहाँ पर आप अभी हम देख रहे हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे फाइनल पास ही मार रहा है शायद, मेरे हिसाब से फाइनल पास ही होना चाहिए। तो आप देख लीजिए, माइनर्स आपको पता भी नहीं चलेगा जॉइंट, जब ये नया है अभी, जब इसके ऊपर थोड़ी धूल उड़ेगी हवा के साथ, जैसे पुराना हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये की लगेगा, ये कमाल रेक का है, फिनिशिंग का है, ये कमाल रोलिंग का है। अगर हमने सही से रोल किया, सही से उसको जितना मटेरियल चाहिए कॉम्पैक्ट होने के लिए, उसका जितना थिकनेस है उतना ही छोड़ा, तो ये इस तरह से कोई आप इसके ऊपर चलेंगे, मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको चलने के बाद बिल्कुल झटका महसूस नहीं होगा, एकदम 0-0 में मैच हो जाता है। ये एक कलाकारी है, एक जो लेबर इसमें स्किल्ड होते हैं उनकी एक कलाकारी समझ लीजिए आप। इसमें स्किल्ड वर्कमैनशिप की बहुत ज़रूरत होती है, इसको मैच करना, ये मैच होना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए आप, यहाँ PTR मार रहा है, इधर प्लेन पास मार रहा है। तो आप इसकी फिनिशिंग देखिए, एकदम बेहतरीन फिनिशिंग, गुड क्वालिटी वर्क। वीडियो लाइक करिए प्लीज़, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।